قدام الجزائر إشكالي منسي مشمو إلكشن آك دعا ميون بيت أسبر ساري نترا سان كام تيكسا نا بات إن شاء الله سر یہ پرانا علاقہ ہے میرا اس لیے اللہ کے فضل سے لوگ جانتے بھی ہیں اور کام تو کرنا ہے بہرحال خدمت کا Garand ke to kaam to karenge sir how would you like to react to the statements of engineer Rashid since he has been released yesterday he told the people in Baramulla that if the government of india is talking to nagas they are having the accord with other people why don't they talk to the people of kashmir sahi bolte engineer rashid sahab ne sahi bola hum koi kisi aur mulk ke citizen to hain isme kya hai agar unke sath baat hoti hai yahan par bhi baat honi chahiye मुझे उम्मीद है एक इलेक्टेड गारमेंट आएगी वो ज़रूर बात करेगी अपने लोगों के ब्याह पे क्यों इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो वही होंगे ना लोगों के और उसको चाहिए वो सरकार को बात करे पोटा पे बात करे पीएसए पे बात करे बच्चों के रिलीज पे बात करे ये जो वेरिफिकेशन बंद हुई है हमारी पार्टी का तो मेन एजेंडा ये है कि हम जनरल एमनेस्टी डिक्लेयर करेंगे हर जमात को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के मुकाबले में आती है उसको वो प्रॉक्सी बनाते हैं इनसे मैं पूछता हूँ आप तो 47 से हिंदुस्तान की प्रॉक्सी यहाँ है आपने तो जाके हिंदुस्तान की गोद में कश्मीर को डाला आपने तो किसी से नहीं पूछा उस वक़्त तो प्रॉक्सी तो आप लोग हैं दूसरी हैं वो चीफ मिनिस्टर बनी उनके साथ अब ये मजाक खेल रही हैं लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं ये कह के साहब ये प्रॉक्सीज हैं प्रॉक्सीज कौन किसका होगा यहाँ लोग हैं लोगों के साथ प्रॉक्सीज हैं। Do you think engineer is giving them the sleepless nights since he's out? देखिए मुझे देखिए मैं आपको सच बताऊं मैं अपनी जमात की तरफ तवज्जा मैं हूँ वो होता ना घोड़े को वो लगा होता है मैं अपने लोगों अपनी जमात की कहाँ कैंडिडेट्स हैं वहाँ उनके लिए काम कर रहा हूँ मुकाबले में सब हैं डोंट यू थिंक अपनी पार्टी विल बी अफेक्टेड बाय द रिलीज देखिए हम अपने मंशूर पे चल रहे हैं इंजीनियर साहब अपने मंशूर पे चल रहे हैं उमर साहब अपने मंशूर पे चल रहे हैं महबूबा जी अपने मंशूर पे चल रही हैं तो लोगों के दरबार में जा रहे हैं जो जिसको लोग बनाएंगे वही सही है कल साबित हो जाएगा उसी से लोग अगर किसी को चुनते हैं तो इनका ये आर्गुमेंट ख़त्म है जब 98 में पीडीपी बनी थी जो हम किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे तब लेकिन देखते थे तो इनको बोलते थे आडवाणी की पैदावार है तो ये रातों रात इन्होंने वल्दियत कैसे बदली यहाँ कहते हैं राम माधव साहब आए हैं 2014 का बिछड़ा हुआ प्यार फिर वापस से जगाने के लिए तो वो तो अब फिर बातें फिर कहने को तो जबान हरे के मुंह में है